उसको निकाल दे पहले। वो भी ले चलो, अरे बोर्ड स्टूल ले चलो। हम बोलिए नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम डेली कोई ना कोई अपडेट देते रहते हैं। आज हम जैसे शहर में घूम रहे थे उसमें हमने देखा कि किन्नर समुदाय द्वारा एक अनोखा रथ चलाया गया है, मेरा हाथ अनाथ के साथ। उसके तत्वाधान में मेरा रोटी रथ के कार्यालय में पहुंचे हैं राखी बांधने के लिए। इनसे हम पूछते हैं कि इनके मन में क्या आया, इन्होंने मेरा हाथ अनाथ के साथ का उद्देश्य उठाया। नमस्कार, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जय माता दी। आप क्या उद्देश्य लेकर चल रहे हैं मेरा हाथ अनाथ के साथ में? मेरा उद्देश्य यही है, गरीब बच्चे बेसहारे अनपढ़ ना रहे और पढ़े, हमारा उसके साथ में मेरा साथ है। मेरे साथ मुकेश राठौड़ मेरे भाई है, रोटी रस्ते जुड़े और उनके साथ में लग के जैसे जो बेसहारा बच्चा हो उसका सहारा बनो, उसको पढ़ने लिखने में मदद करो। इसके लिए आप सरकार से भी कोई अनुदान मिला है या लेना चाहेंगे? नहीं मिला है, हम तो अपने खुद ही कर रहे हैं मांग के, जैसे आप लोग से बस। इसमें जनता का भी कोई सहयोग आप लेना चाहेंगे या ले रहे हैं? नहीं, फिलहाल किसी का सहयोग नहीं है ना, मैं किसी का ले रही अभी तक। आप अपने बल पे इसको चला रहे हैं? आज कितने बच्चों को आप गोद लेने की सोच रहे हैं? 21 से 25 बच्चे हैं। 21 से 25 बच्चे हैं? हाँ। वो अनाथ हैं ऑलरेडी? हाँ, गरीब अनाथ है। तो उनका आप पालन पोषण कैसे करेंगे? उनके जो पैसे होंगे पढ़ाई वगैरह के खर्चे के, वर्दी के, उसको आप कैसे करेंगे? सर हम करेंगे, कपड़े का नाप ले लिया है और जूते जूते का नाप ले लिए हैं, बाकी किताब कुताब जो भी कुछ है वो ले आ चुके हैं। अब जैसे कि मेरे ध्यान में एक आ रहा है, सरकार द्वारा 134 ए का एक दर्जा चलाया जा रहा है जिसमें गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में फ्री में शिक्षा दी जाती है, उसमें उनके पास किताबें लेने के लिए, वर्दी के लिए खर्चा नहीं होता, तो क्या वो भी आप वहन करेंगी? हाँ। उसके लिए वो आपके पास आएंगे तो आप उनको मदद करने के लिए तैयार हैं? हाँ। देखिए आप इनकी भावनाएं क्या हैं, जो बच्चों को या अनाथ को गोद ले रही हैं उनके लिए भी मदद करने को तैयार हैं, और जो आगे इनके पास आएगा मदद मांगने के लिए, जो अपनी शिक्षा में काबिल नहीं है किसी खर्चे को अफोर्ड करने के लिए, उसको भी अफोर्ड करने के लिए तैयार है। धन्यवाद। जय हिंद।
वो कॉपी उठा लो भाई, नीचे कॉपी रखी है, कॉपी पेन की।